हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्य एकेडमिक व्लॉग। और आज हम फिर से आए हैं विजिट करने के लिए भुवनेश्वर की उत्कल यूनिवर्सिटी। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, शायद मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाला था जो कि लॉकडाउन से पहले का वीडियो था, और यह अभी मैं यहाँ पर विजिट कर रहा हूँ लॉकडाउन के बाद। तो जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हो, मैं अभी मेन गेट से होके अंदर आ गया हूँ। और आप लोगों को बता दो कि जब मैं लास्ट टाइम आया था उस टाइम मैंने आप लोगों को बहुत सारे डिपार्टमेंट्स नहीं दिखा पाया था, और ये जो बिल्डिंग आप लोगों को दिख रहा है ये बिल्डिंग तब बन रहा था, अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि लॉकडाउन के बाद का ये सिनेरियो है, और इसमें ज़्यादातर आप लोगों को खाली ही दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। और ये जो आप लोगों को दिख रहा है, मैं अभी खड़ा हूँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट के ठीक सामने, और यहाँ पर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कियोलॉजी का भी डिपार्टमेंट है। और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और हिस्ट्री डिपार्टमेंट के ठीक पास ही है एक बहुत ही खूबसूरत सा पार्क, जिसको महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क नाम से जाना जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पार्क का एक झलक आप लोगों को भी दिखाऊँ, तो आप लोग देखते रहिए। पार्क से बाहर आने के बाद ही ठीक लेफ्ट साइड में आप लोगों को दिखेगा और दो डिपार्टमेंट, एक है स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट और दूसरा एमटेक आईटी डिपार्टमेंट। और इस डिपार्टमेंट के ठीक फ्रंट साइड में ही दिखेगा आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का एंट्री गेट। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये वाला पार्ट नहीं दिखाया था, और आप लोग देख सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के ठीक सामने ही और तीन डिपार्टमेंट है। एक बिल्डिंग है जिसमें इन लोगों का इंग्लिश डिपार्टमेंट है, फिलोसफी डिपार्टमेंट है और इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट है। और यहाँ से हम लोग बाहर जाके हिस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर फिर से जाएंगे, क्योंकि हमें और भी बहुत सारा डिपार्टमेंट वहाँ पर देखना है। तो आप लोग देख सकते हो, मैं अभी फिर से पहुँच गया हूँ मेमोरियल पार्क के ठीक पास ही। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक डिपार्टमेंट है जिसको यहाँ पर लिखा हुआ है, जो बोर्ड लगा हुआ है, संस्कृत डिपार्टमेंट। और यहाँ पर और एक डिपार्टमेंट लिखा हुआ है पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट। और संस्कृत और पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट से थोड़ी दूर आगे आने के बाद आप लोगों को दिखेगा ये बड़ा सा बिल्डिंग जो है ई लर्निंग लाइब्रेरी एंड पारिजा लाइब्रेरी। इन लोगों का मेन लाइब्रेरी बिल्डिंग के ठीक फ्रंट साइड में ही है और दो डिपार्टमेंट जो है साइंस रिलेटेड डिपार्टमेंट। अभी मैं खड़ा हूँ फिजिक्स डिपार्टमेंट के ठीक सामने, और इसके ठीक बगल में ही, मतलब राइट साइड में ही लगा है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो हम लोग केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ भी जाएंगे, पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फिजिक्स डिपार्टमेंट के ठीक सामने ही, गेट के ठीक सामने ही मैं खड़ा हूँ। और कितने अच्छे तरीके से इन लोगों ने फ्लावर गार्डन बना के रखा हुआ है सामने, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन लोगों ने ये बनाया है। और पहले तो ये गार्डन एरिया यहाँ पर नहीं था, बट मेमोरियल पार्क जो है, महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क बनने के बाद यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन लोगों ने गार्डनिंग मेंटेन करके रखा हुआ है। और अभी हम फिजिक्स डिपार्टमेंट के ठीक सामने खड़ा है, हम अंदर जाएंगे, जाके इन लोगों का जो अंदर का एनवायरनमेंट है, मतलब डिपार्टमेंट का अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं अभी फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर हूँ, और यहाँ पर आप लोग इन लोगों का जो क्लासरूम वगैरह है और जो लेबोरेटरीज वगैरह है, वो सब आप लोग देख सकते हो। और जो फैकल्टीज़ हैं इन लोगों का, ये ज़्यादातर फैकल्टीज़ फर्स्ट फ्लोर में बैठते हैं, और फर्स्ट फ्लोर में अभी मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन लोगों का कुछ विजन एंड मिशंस का कुछ बोर्ड लगा हुआ है, और ऐसे ही इन लोगों का क्लासरूम वगैरह का और जितने भी लैब्स हैं इन लोगों का स्ट्रक्चर ऐसा ही है। तो डिपार्टमेंट से बाहर आने के बाद ही, मतलब फिजिक्स डिपार्टमेंट से बाहर आने के बाद ही, आप लोग को लेफ्ट साइड में एक डायरेक्शन मिलेगा जिससे आप लोग जा सकते हो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ। हम लोग बाहर से भी जा सकते हैं, मतलब फिजिक्स डिपार्टमेंट के गेट से बाहर होके भी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जा सकते हैं, पर अंदर से भी ये एक रास्ता है जिससे हम लोग केमिस्ट्री डिपार्टमेंट तक जा सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं अभी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के ठीक सामने ही खड़ा हूँ। यहाँ पर भी इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से गार्डन जैसा बना के रखा हुआ है, पार्किंग स्लॉट भी बहुत खूबसूरत तरीके से बना के रखा हुआ है। और
यहाँ पर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से आप लोग अगर बाहर आएंगे, मेन गेट से अगर बाहर आएंगे तो आप लोगों को और भी दो तीन यहाँ पर बिल्डिंग दिखेगा, जो यहाँ पर एक कैंटीन भी है और उसके साथ ही यहाँ पर है स्टूडेंट्स यूनियन का बिल्डिंग। तो यहाँ पर और ज़्यादा मतलब मैं डिपार्टमेंट्स नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने अभी बोटानी, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ये सब डिपार्टमेंट्स को भी कवर किया था। तो आप लोग मेरे लास्ट वीडियो को मतलब रेफर कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक हॉस्टल का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बस यही था आज के लिए, इतना ही मैंने दिखा पाया। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए इंस्टीट्यूट।